फिर भी चुप रहती है, अपना निवाला देकर तेरा पेट वो भरती है। हाँ माँ ऐसी ही होती है, जी हाँ माँ ऐसी ही होती है। सारे दुख झेल कर खुशी तुझे वो देती है, अपना मन मार कर तेरी जेबें भरती है। माँ ऐसी ही होती है, जी हाँ माँ ऐसी ही होती है। जी हाँ, कल हम सब ने, पूरे विश्व ने 12 मई को मनाया विश्व मातृ दिवस। जी हाँ, मदर्स डे हम सब ने मनाया। तो जितनी भी हमारी मातृशक्तियाँ हैं जो हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, उन्हें बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। जी हाँ, माँ वो शख्सियत है जिसने अपनी कोख से हमें जन्म दिया, जिसने हमें इस दुनिया में आने का रास्ता बताया। मृत्यु के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है माँ। चांद पर भी जा सकती थी माँ, चांद पर भी जा सकती थी, लेकिन हमने पीछे से आवाज़ दी, माँ खाना। माँ चांद छोड़कर रसोई में चली गई। ये होती है माँ, माँ को महान बनाने वाला यही शब्द है। उस माँ को नमन करता है आज पूरा दूरदर्शन परिवार। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, पूर्वा राय। जी हाँ, नमस्कार एमपी बहुत ही खास है। आज के दिन हम आपको मिलवाने वाले हैं बहुत ही खास शख्सियतों से, और अगर उनके विषय विशेषज्ञों के जो भी विषय हैं उनको लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा आएगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे फ़ोन नंबर्स नोट करने पड़ेंगे। तो चलिए लिख लीजिए हमारे फ़ोन नंबर जो कि हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो है भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 07552660049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निशुल्क नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से 9 बजे तक हमारी फ़ोन लाइन्स खुली रहेंगी, तो इसे भी नोट कर लीजिए 1800-233-0401-800-233-0401। ये हो गए हमारे फ़ोन नंबर्स। अब अगर हम अपने पंचांग की बात कर ली जाए, आज की तिथि क्या है, तो कार्यक्रम की रीत के अनुसार हम आपको बता देते हैं कि आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2081 वैशाख माह शुक्ल पक्ष षष्ठी है तिथि, 13 मई 2024 है तारीख, दिन है सोमवार। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, यही हम कामना करते हैं। और जिन भी हमारे दर्शकों का आज जन्म दिवस है या फिर जिनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें ढेर सारी बधाइयां देता है दूरदर्शन परिवार। तो जी हाँ, ये तो हुई तिथि की बात, अब झांक लिया जाए कि आज की तारीख इतिहास में किन मुख्य बातों के लिए दर्ज की गई थी। इतिहास के पन्नों पर भी थोड़ी सी नजर डाल ली जाए तो देखते हैं इतिहास के झरोके से। 1648 दिल्ली में लाल किले का निर्माण पूरा हो चुका था। 1952 स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ था। 1962 सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1978 देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ। 1998 की अगर हम बात करें, भारत ने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए जिसमें वो सफल भी हुआ और पूरे विश्व को हमने हिला के रख दिया। अगर हम बात करें 2000 में भारत की लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई, पूरे देश का नाम रोशन किया, पूरे देश को इनको गर्व महसूस होता है। 2001 की अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्य जगत के सबसे बड़े नामों में से एक आर के नारायण का निधन आज ही के दिन हुआ था, हमने इन्हें आज ही के दिन खो दिया था। और अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन 2 मुख्य बातों के लिए याद किया जाता है। तो पहला, छत्रपति शिवाजी जयंती आज के दिन होती है, और साथ ही साथ सीता माता प्रकट्य दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। अब आ जाते हैं जन्म दिवस पर, तो किन किन मुख्य लोगों का आज के दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद आज ही के दिन पैदा हुए थे। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी का भी आज जन्मदिवस है, और साथ ही साथ सुप्रसिद्ध गायक बेनी दयाल जी भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इन सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां हम देते हैं। अब आ जाते हैं भाई एक विचार की ओर। कुछ शब्द, कुछ लाइनें, कुछ वाक्य पढ़ लेने से जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता, अगर उन शब्दों को, उन वाक्यों को हम अपने जीवन में उतार न लें। जब अगर हम उन शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तभी हमारा दिन बनता है, हमारा जीवन अलग तरीके की सोच रखता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का विचार क्या है। जब तुम अपने जीवन को पूजा मानने लगते हो, तो प्रकृति तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। ये बोला था श्री श्री रविशंकर ने। जी हाँ, आप अपने जीवन को सीखने की ओर लगाएं। हर बात को अगर आप आत्मसात करेंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। तो ये तो हुई बात विचार की। अब क्यों ना आपको बता दिया जाए आज के विषय, क्योंकि बहुत ही खास है आज के विषय। जी हाँ, आज का जो पहला हमारे जो सब्जेक्ट है वो है बहुआयामी प्रतिभा के धनी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिव्यम शरण गुप्ता। ये एक्टर हैं, सिंगर हैं, कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, भाई बहुत कुछ इन्हें आता है। तो क्यों ना इनका स्वागत कर लिया जाए। तो दिव्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते पूर्वा जी। जी, साथ ही साथ आज आपको मिलवाना चाह रही हूँ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार। जी हाँ, ये बहुत बहुत खास है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ सहेजा है अपने अंदर, कि इन्हें सुनकर, इन्हें जानकर आज हम बहुत खुश होंगे। ये हैं श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार पूर्वा जी, और नमस्कार एमपी के सभी दर्शकों को, मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार जी। तो क्यों ना सबसे पहले वरिष्ठ साहित्यकार सर से ही जान लिया जाए। सर, ये बताइए कि आपने चुना व्यंग, व्यंग ही क्यों चुना? एक ही जो बहुत ही अलग विधा है जिसको चुनना, मुझे लगता है कुछ एक बहुत ही टिपिकल होता है, क्योंकि व्यंग करना वो तीक्ष्ण बाण की तरह होते हैं, उन शब्दों को चुनना बहुत ही कठिन होता है, तो व्यंग क्यों चुना? पूर्वा जी, आपने बड़ा प्रासंगिक और अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आज कोई भी अखबार उठाइए तो हम देखते हैं कि संपादकीय पन्ने पर व्यंग पढ़ा जाता है। कबीर ने व्यंग की समझिए शुरुआत की थी, और आज भी कबीर के दोहे प्रासंगिक बने हुए हैं। परसाई जी, रविन्द्रनाथ त्यागी जी और शरद जोशी जी, भोपाल से उनका बड़ा नाता रहा है। हाँ जी। विभिन्न अखबारों में उन्होंने व्यंग को एक नई दिशा दी, और मैं प्रारंभिक जीवन मेरा मंडला जबलपुर में बीता, तो परसाई जी को पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ, तो व्यंग मुझ में कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से मेरे व्यवहार में, मेरे चिंतन में व्यंग समा गया। जब कोई छटपटाहट होती है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बातें, विसंगतियाँ समाज में होती हैं जिन पर हम आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो व्यंग मुझे वो विधा लगता है जी, जो कम शब्दों में अपनी बात उलट बांसी से पहुंचाता है। और आप रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रह चुके हैं जी, इतनी कठिन जॉब थी, साथ ही साथ में एक इतना अलग एक प्रोफेशन, मतलब इन दोनों चीज़ों को आपने समावेश कैसे किया? पूर्वा जी, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। दरअसल मेरा पूरा परिवेश ही साहित्यिक रहा है जी। मेरे दादाजी कांग्रेस के समय में, पुराने जब आज़ादी से पहले के ज़माने में, आज़ादी के तराने उन्होंने लिखे। मेरे पिताजी, उनकी 40 से ज़्यादा किताबें हैं, और उन्होंने संस्कृत के मेघदूत, रघुवंश, भगवद गीता, इन सब ग्रंथों का हिंदी में पोइटिक अनुवाद किया, और देश प्रेम के गाने, आध्यात्मिक गीत उनके बहुत टी सीरीज वगैरह में भी आए। तो मेरे ब्लड में कहीं ना कहीं, मेरे संस्कारों में साहित्य शुरू से मैं पढ़ता रहा, तो वो है, इनहेरेंट है मुझ में साहित्य। तो जब एक छटपटाहट होती है अंदर से विसंगतियों के प्रति, तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं कविता, व्यंग,
किसी न किसी विधा का सहारा लेकर अपने वैचारिक बातों को सबके सम्मुख रख कर, मैं दरअसल मैं किसी दूसरे के लिए नहीं, अपनी छटपटाहट से मुक्त होने के लिए जी, जी, लिखता हूँ ये जी, के जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में तो हमने बात की माँ की। जी हाँ, माँ वो कोक है जो सब कुछ सिखाती है, लेकिन पिता का योगदान भी कहीं ना कहीं आप उसको नगण्य नहीं मान सकते। पिता जो पीछे से साथ देता है जिंदगी भर, वो उनका कहीं मुझे लगता है गुणगान नहीं हो पाता। माँ का गुणगान तो दुनिया कर लेती है, लेकिन पिता वो होता है जो संबल देता है एक व्यक्ति, एक बच्चे को ये पता रहता है मेरा पिता मेरे साथ है तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ हूँ। तो आपके साथ भी यही हुआ, आपके पिता के कहीं ना कहीं वो गुण। आकाश कहा जाता है माँ को, धरती। वाह क्या बात है जी, वही चीज के आपके मन में जो पिता को देख देख कर सीखा आपने, बहुत अच्छा जी। हाँ क्यों ना हम दिव्यम जी से पूछें। दिव्यम जी, आप इतनी कम उम्र के हमारे सामने आए हुए, मतलब मैं, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, हम एक वरिष्ठ व्यक्ति के साथ में और एक इतने नौजवान के साथ में बैठे हुए हैं और दोनों अपनी अपनी प्रतिभा में इतने धनी हैं। आप ये बताइए कि जब आपने, आपके पास में साइंस था, मैथ्स था, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, तो ये म्यूजिक बीच में भाई कहाँ से आ गया और टाइम कैसे मिला आपको? देखिए, साइंस और मैथ्स करना तो क्योंकि हम भारत में हैं और हर घर में ये चीज़ होती है कि पहले पढ़ाई करो उसके बाद कुछ और करना है जी। तो मेरा भी वही रास्ता था, पहले पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते ही म्यूजिक में मेरे को इंटरेस्ट बहुत पहले से था। हाँ जी। जब मैं क्लास 30 में था तब से मेरे को इंटरेस्ट था म्यूजिक में, एंड ये इंटरेस्ट मेरे को मोहित चौहान के गानों से आया था। अरे वाह। रॉक स्टार करके एक फिल्म आई थी। हाँ जी। वहाँ से मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट आया था, तो वहाँ से मेरी कहीं ना कहीं एक अंदर से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी म्यूजिक की, एंड वो बढ़ते 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 साइंस मैथ्स वो सब बाउंड्रीज तोड़ देती है, उसका कोई नाता नहीं है जी। अगर म्यूजिक है तो है, नहीं है तो नहीं है। सही। तो साइंस मैथ्स किया, कॉलेज किया, नौकरी करी, पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड होते हुए भी कहीं ना कहीं मैं हमेशा अपने म्यूजिक के लिए समय निकालता था। जैसे कॉलेज के समय रात में 2 बजे के बाद, क्योंकि हमारे असाइनमेंट्स होते थे, बहुत चीज़ होती थी, नौकरी में ब्रेक के बीच में खाने के बजाय रियाज कर लेना जी, फिर घर लौट के भले नींद आ रही है बट तब भी रियाज करना या फिर कुछ सुनना या कुछ लिखना, तो कहीं ना कहीं मेहनत ऊपर वाले का साथ करते करते बस। क्या बात है जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपके फ्रेंड्स फैमिली, आपने बताया कि भाई मैं पढ़ाई तो अपनी बहुत अच्छी कर रहा हूँ और देखिए मैं नंबर भी अच्छे लेकर आ रहा हूँ, मेरे पास में इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, लेकिन मैं अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहता हूँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, प्रतिक्रिया जो एक स्वाभाविक है कि सब खिलाफ थे। हाँ जी। खास करके घर वाले, माता पिता को छोड़ के बाकी सब खिलाफ थे, बट चूंकि मेरे को सिर्फ मेरे माता पिता से फ़र्क पड़ता है जी, कि वो मेरे करियर को लेके क्या सोचते हैं, मेरा आएगा रास्ता वो कैसे देखते हैं, उनने मेरा शुरुआत से साथ दिया है। मतलब ऐसा एक दिन नहीं हुआ शायद कि मेरे को कभी भी कुछ खिलाफ बोला गया हो मेरे चॉइस के अगेंस्ट। और जहाँ तक कि दोस्तों की बात है, तो दोस्त तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, और क्योंकि इस फील्ड में पैसे का कुछ भी फिक्स नहीं होता, कभी है कभी नहीं है, तो दोस्तों को और माता पिता को भी कहीं ना कहीं था कि आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि पैसे के बिना आज की डेट में कुछ नहीं है। जी, जी। पैसा सब कुछ नहीं है बट एक बहुत जिंदगी को स्टेबल करने के लिए आपके पास में डिजिग्नेशन होना बहुत जरूरी है जी। तो सब खिलाफ थे बट धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, 6 साल 5 साल के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें हुई, कुछ शोज हुए, कॉम्पिटिशन्स हुए जो जीते मैंने, तो वो सब करते करते जब देखते हैं कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस है जी, तो वो देख के फिर सबका मन कहीं ना कहीं हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ ये कर लेगा। अरे वाह। और बस मैं तो यही मानता हूँ कि इतने कम उम्र के हैं, मेरे जो मन का एक जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हर जो बच्चा होता है ना और आईने में देखता है मैं बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ और आप हैं इतने इतने खूबसूरत हैं, इतने हैंडसम हैं, कभी मन में आया कि नहीं भाई ये कौन कर रहा है पढ़ाई, मुझे तो नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ फिल्म लाइन में, और आपने उसमें अपना बहुत अच्छे परचम भी रह रहे हैं, तो कभी घबराहट नहीं हुई मैं नहीं पढ़ रहा भैया मैं तो जा रहा हूँ? देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी बिल्कुल ही टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और मेरी मम्मी भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं जी, तो शायद जो क्रिएटिव वाला पार्ट है वो मेरी माता जी से आया है, बट चूँकि पिताजी का एक होता है कि हाँ हम कुछ करके दिखाना है, हाँ जी, एक माता पिता की नज़र में हमें कहीं खड़ा उतरना होता है, तो बस था कि नहीं पहले इस्टैब्लिश करना है कि
कोई मेरे माता पिता को कुछ ना बोले कि आपका बेटा नहीं कर पाया, तो वो चीज़ हासिल करने के लिए पहले पढ़ाई अच्छे से करी जी, ताकि ये कोई ना बोल पाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं वो क्या बोल रहे हैं, बट माता पिता को कोई कुछ ना बोले, उसके लिए पढ़ाई करी, नौकरी जो अच्छी से अच्छी हो सकती थी, आज की डेट में जो मैं नौकरी करी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, उससे ऊपर शायद कुछ नहीं होता पे वाइज, वो किया। NMIMS से मैंने MBA किया जो कि टॉप 5 कॉलेजेस में पूरे इंडिया के। तो बस यही था कि नाम रोशन करना था किस ना किस तरीके से, क्योंकि फिल्म लाइन में थोड़ा समय लगता है जी। तो एक ना एक तरीके से पहले ताकि माता पिता को संतुष्ट कर दूँ कहीं ना कहीं, तो बस इसलिए साइंस मैथ्स भी किया जी, और म्यूज़िक तो खैर है जी जी जी। तो ये आज जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे भी देख रहे हैं जो इतनी कम उम्र के, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक सीख है कि भाई आपको जो पसंद है आप बिल्कुल कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि आज के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मना करेंगे नहीं, लेकिन आप अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। जैसे कि दिव्यम ने दोनों क्षेत्रों में अपने परचम ले रहा है, ऐसे ही आपको भी करना है। जी हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि व्यंग एक बहुत ही अलग विधा है, इसको अपनाने के लिए अगर मान लीजिए कि किसी के मन में आया कि जी हाँ मैं भी लेखनी शुरू करूं व्यंग से, तो उसको किस किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किन मात्राओं का प्रयोग करना चाहिए, इन सब का ज्ञान वो कैसे लेगा? देखिए शब्द शक्तियाँ तीन होती हैं, एक अमिधा हाँ जी शक्ति जिसमें सीधी सीधी बात सपाट कही जाती है, कोई भी बात डिस्क्राइब करा जाता है उसे अमिधा शक्ति कहते हैं, लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षणा शक्ति में या व्यंजना शक्ति में उसके प्रयोग से व्यंग लिखा जाता है जी। कि बात जो कही जाती है वो उसका अर्थ कुछ और होता है जी। लेकिन वो जिस तरह से कैरम में रिबाउंड होकर के वो गोटी को स्ट्राइक करता है, तो उस तरह से जिस पर व्यंग किया जाता है उसका नाम ना लेकर के उसे इशारों में ये समझा दिया जाता है कि आप कुछ या आप में विसंगति है या आप में गलती है। और भरी भीड़ में भी यदि जिस पर व्यंग किया गया है उसको वो बात समझ आती है तो वो चोर की दाढ़ी में तिनका वो अपना तिनका खुद अलग कर सकता है। तो व्यंग का उद्देश्य तो यही है कि जो जिस पर कटाक्ष किया गया है जो वो तीर मारा है ना वो बिल्कुल निशाने पर लगना निशाने चाहिए। पर लगना चाहिए। तो जिसको व्यंग लेखन मुझे नहीं लगता कि कुछ एक जो मैं समझ पाता हूँ अपने आप एक हर एक में एक क्वालिटी होती है, जैसे दिव्यम की अभी बात की हमने कि ये इसमें संगीत के प्रति एक रुझान था, तो जो हम पढ़ते हैं जो बहुत सारी बातें हमें साहित्य पढ़ते हैं या हम समाज में देखते हैं तो उसको जो अपने विचार आए उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास कविता है, लेख है, निबंध है और व्यंग है, तो मैंने व्यंग को चुना। बहुत बहुत ही अच्छा। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रशांत कुमार जी भोपाल से, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मैं विवेक जी से मुखातिब होना चाहूंगा जी। और विवेक जी मुझे जहाँ तक जानकारी है आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से साहित्य में आ गए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर के व्यंग और समीक्षा इन सब विधाओं को अपनाया, तो आपको इंजीनियरिंग प्रोफेशन में ज्यादा जोखिम नजर आता है कि ये जो समीक्षा और जो व्यंग की विधा है इसमें ज्यादा जोखिम नजर आता है? जी बहुत सही, मतलब ये प्रश्न मुझे लगता है आप ही के लिए बना था, बिल्कुल सही। पूर्वा जी ये प्रशांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, और ये शब्दों की शक्ति होती है कि हमारी बात कहीं ना कहीं प्रशांत जी तक पहुँच रही है। वो इस तरह से हमारे बहुत से पाठकों के फ़ोन और पत्र आते हैं, मेल्स आते हैं, जिसमें मुझे समझ आता है कि मेरी बात कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रही है। तो प्रशांत जी आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि मुझे इंजीनियरिंग और व्यंग या समीक्षा इनमें से, मैं नियमित रूप से पूर्वा जी बताऊं समीक्षाएं भी करता हूँ किताबों की, हर हफ्ते मेरा एक ई अभिव्यक्ति पोर्टल है जिसमें हर हफ्ते किसी एक किताब के कंटेंट पर मैं चर्चा करता हूँ। तो उद्देश्य यही है कि साहित्य का प्रचार हो। मैंने अपने घर के बाहर एक ओपन डब्बा लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें हमारी कॉलोनी के लोग, मैं मीनाल रेसिडेंसी में रहता हूँ तो बहुत से लोग आते हैं, वो किताबें मेरा उद्देश्य उसमें यह है कि एक किताब रखो एक ले जाओ जी।
हमारे घरों में हम किताब खरीद लेते हैं, पढ़ने के बाद में वो फिर पड़ी रहती है, रद्दी में चली जाती है, पत्रिकाएं होती हैं, तो पठन पाठन को बढ़ावा मिले इस उद्देश्य से वो डब्बा लाइब्रेरी है। तो उसमें हमारे मोहल्ले के बहुत से लोग, कॉलोनी के लोग, एक किताब रख देते हैं, वहाँ से एक किताब उठा लेते हैं, तो इस तरह से उसका विस्तार होता है साहित्य को पढ़ने का। तो मैं प्रशांत जी के सवाल पे आता हूँ, बहुत आभार प्रशांत जी कि आपने ये सवाल करके हमारे दर्शकों तक ये बात पहुँचाने की मुझे कोशिश रहेगी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी देखिए, मैं मुख्य अभियंता के रूप से रिटायर हुआ और मैंने जीवन में हर फाइल अपनी अलग रखी। जब मैं नौकरी करता था तो बड़ी जिम्मेदारी के पद थे, तो नौकरी की फाइल हमेशा अलग रही, परिवार की फाइल अलग रही, 5 बजे के आने के बाद में फिर मैं घर को समय देता रहा, और साहित्य की फाइल अलग रही, तो इस वजह से कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और सबके बीच एक तादाद में बनाना ही जीवन है, कहीं ना कहीं पठन पाठन, मेरी तकिए के पास जब तक 10-5 किताबें नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आती और पढ़ करके अलट पलट के और नींद आती है। तो जोखिम तो किस तरह से, मुझे नहीं समझ आता कि जोखिम शब्द उसके लिए कोई इस्तेमाल किस ढंग से किया जा सकता है, लेकिन आनंद आता है। जीवन का जो तालमेल आपने सिखाया है इन थोड़े से शब्दों में, वो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और इससे पहले जो आपने एक बात की थी कि आपने जो एक पहल की, सराहनीय पहल जो की है, कि भाई हम अपने घरों में पुस्तक लाते हैं, पढ़ते हैं, और वो एक कोने में धूल खाती रहती है, जी नहीं, उसको दूसरों को भी, क्योंकि ज्ञान आप जितना देंगे उतना ज़्यादा आपके पास भी बढ़ेगा, दूसरे के पास भी बढ़ेगा। उस सागर में जितनी बार गोता लगाएंगे एक मोती आप ज़रूर पाएंगे, ये आप ज़रूर याद रखिए। और सीखने को तो मिल ही रहा है, क्योंकि हमारे साथ दो इंजीनियर हैं, एक वरिष्ठ इंजीनियर हैं, एक अभी नवीन इंजीनियर हैं, तो क्यों ना नवीन इंजीनियर जी के पास चलें। आप ये बताइए कि जब अपने जीवन में आपने MBA कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, भाई हमारा तो भविष्य सेटल है, और इतनी अच्छी जॉब, एक पे स्केल जो सबके बच्चों के मन में रहता है, आंख बंद करो और वहां पर जो हमें पे स्केल, उसके बाद जोखिम नहीं लगा कि भाई मैं कूद रहा हूँ म्यूजिक के क्षेत्र में, मन में कभी डर नहीं लगा? देखिए, जोखिम तब लगता है जब आपको किसी का साथ ना हो। जी, पहला मेरे पास मेरे माता पिता का साथ है, दूसरा मेरे पास भगवान का साथ है, जो मैं मानता हूँ, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि मेरा भगवान में विश्वास सिर्फ बढ़ता ही गया है, साल दर साल बढ़ता ही गया है सर। और जोखिम की कोई बात लगी नहीं, क्योंकि जैसा कहा जाता है, सब माँ बाप कहते हैं, सब बड़े बुजुर्ग लोग यही कहते हैं कि आपके पास कुछ, अगर आप गिरे तो कुछ होना चाहिए, कुछ एक फॉल सेफ जिसे कहा जाता है, कहीं गिर के आप पहुंच पाए। हाँ जी, तो वो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका था, नौकरी कर चुका था, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ था नहीं। हाँ जी, पढ़ाई पूरी है, तो अब जोखिम अगर किसी के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी है, मिशिका जी भोपाल से। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हेलो भैया। हाँ जी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मिशिका, फ्रॉम क्लास 6। मैं मतलब आपका नेक्स्ट एल्बम कब आ रहा है, और आप कुछ शेर सुना सकते हैं? क्या बात है, लीजिए, वाह, इतनी बड़ी फैन है, बताइए आपका नेक्स्ट एल्बम का उनको इंतजार है। जी धन्यवाद मिशिका जी, और जैसे कि ये एक छोटी, बहुत यंग फैन जिसे कहूँगा मैं, जी जी जी, तो चूंकि मैं एक ऐसी जनरेशन से आता हूँ जो कि बहुत सोशल मीडिया फोकस्ड है, जी, तो मैं अपने जितने भी चाहने वाले फैंस, तो नहीं बोलूँगा, जितने भी चाहने वाले हैं, उनसे पूरा कम्युनिकेशन से सोशल मीडिया से होता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। जल्दी से कुछ सुना दीजिए। जी, तो शायरी अगर आप सुनना चाहेंगी, तो मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा था खुद को, क्योंकि नौकरी भी थी और खुद का कुछ पैशन फॉलो करना था, तो वो जो एक समय था, तब एक मैंने शायरी लिखी थी, कुछ उर्दू के अल्फाज हैं, तो मैं आपको जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तब बताता जाऊंगा उसका मतलब क्या है। तो शायरी कुछ ऐसे है, क्या कब और कैसे के सवाल पे हूँ, क्या कब और कैसे के सवाल पे हूँ, क्या अब मैं ज़िंदगी में जवाल पे हूँ, जवाल इस पतन डिक्लाइन, क्या कब और कैसे के सवाल पे हूँ, क्या अब मैं ज़िंदगी में जवाल पे हूँ, यास मैं अपने सभी जज्बों के हाल पे हूँ, यास मतलब निराशा, निराश, हताश, जी, यास में अपने सभी जज्बों के हाल पे हूँ, अब तो हाथ मल रहा किस्मत के कमाल पे,
और फिलहाल अपने मलाल में। वाह, बहुत 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 ही अच्छा। इतनी गूढ़ बातें इतनी कम उम्र में समझना और लिखना, भाई मुझे तो लगता है आपके जो माता पिता हैं वो भी धन्य हैं और आप बधाई के पात्र हैं कि इतना इतने अच्छे आप लेखक भी हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या आपसे पूछें कि क्या नहीं पूछें आपसे। जी हाँ, मुझे लगता है कि जो आपके जो फैंस होंगे ना वो थोड़ा सा आपको सुनना भी चाहेंगे, तो अगर दो लाइन भी आप गा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, तो एक गाना था जो कि मैं फिर से आपको रोकना चाहूंगी। जी, नीना जोशी जी जुड़ चुकी है हमारे साथ में, मीना जोशी जुड़ चुकी है नैनीताल से। जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी, हम दिव्यम को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे और हम उनकी काफी म्यूजिक वगैरह भी सुनते हैं। उनका भी टी सीरीज पे गाना भी आया था, हमने उसे भी सुना था, हमें बहुत पसंद आया, यूट्यूब पे रिलीज हुआ था। और वो शायरी भी लिखते हैं, हम उनकी आवाज में उनसे एक शायरी सुनना चाहते थे। क्या फरमाइशें आ रही हैं, देखिए आप। वाह, धन्यवाद नीना जी। एंड मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और जो भी पोस्ट करता हूँ आप उसे फॉलो कर रहे हैं। और रिसेंटली मैंने एक रील पोस्ट की थी, उसने एक दिन में कुछ 1,00,000 व्यूज और 10,000 लाइक्स को पार कर किया था। ओह क्या बात, आप सबका ही धन्यवाद है जी। सो कुछ अगर शायरी की बात की जाए तो एक मेरा दिल टूटना जिसे कहते हैं, सबका टूटता है, मेरा थोड़ा जल्दी टूट गया तो उसमें लिखा था कि उसने तो मुझसे बिन कांटों का गुलाब मांग लिया। वाह, उसने तो मुझसे बिन कांटों का गुलाब मांग लिया जी। बिन दाग का जो भी हो वो महताब मांग लिया। उसने तो मुझसे बिन कांटों का गुलाब मांग लिया, बिन दाग का जो भी हो वो महताब मांग लिया। मैंने तो बस हिजर मनाकर जीना चाहा। हिजर मतलब जब दो प्यार करने वाले जुदा होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैंने तो बस हिजर मनाकर जीना चाहा, उसने मुझसे वो ख्वाब मांग लिया। वाह वाह क्या बात, मैंने तो बस हिजर मनाकर जीना चाहा, उसने मुझसे वो ख्वाब मांग लिया। और आखिर में उस मताए जाने तो मुझसे मेरा अजाब मांग लिया। मताए जाए इस दिल का सामान जो दिल के बहुत नज़दीक रहता जी। है और अजाब इस दर्द, तो मैं कहता हूँ कि आखिर में उस मताए जाने तो मुझसे मेरा अजाब मांग लिया। एक इंसान के पास खुशी होना हो, दर्द सबके पास होता है, और अगर कोई दर्द छीन ले आपसे तो उससे नहीं हो सकता है। तो ये तो हुई इनकी फरमाइश, लेकिन मेरी फरमाइश अभी भी वहीं पर है, मैं तो आपसे गाना सुन के ही रहूँगी जी। तो गाना, जैसे कि मैंने कहा कि मैं, अगर आप थोड़ा सा गज़लों के और क्लासिकल साइड पे जाएंगे जी, तो मैं जगजीत सिंह साहब को बहुत फॉलो करता हूँ। और अगर नए सिंगर्स की तरफ आप जाएंगे तो जैसा कहा मैंने, मोहित चौहान जी, इन दोनों को मैंने बहुत फॉलो किया है। तो मैं कुछ लाइनें, मैं दर्द से खुद को थोड़ा ज़्यादा जोड़ता हूँ जिससे गाता हूँ मैं। हो जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम्हार के दिल अपना ये जीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। बहुत बहुत ही बेटा, बहुत अच्छा भाई। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को, देश में ना, हमारे देश पे दो लोगों पर तो गर्व है, A.R. रहमान साहब जो कि चारों तरफ, उनसे आप जो पूछिए उन्हें वो सब कुछ आता है, हिमेश रेशमिया साहब, अगला नाम आप ये याद रखिएगा मैं आपको कह दे रही हूँ, बिल्कुल जी, हमारे साथ हमारे दिव्यम जुड़ चुके हैं, तीसरा नाम इस देश में ज़रूर होने वाला है दिव्यम जी का। जी हाँ, अभी जो छोटे इंजीनियर साहब थे ना, बड़े इंजीनियर साहब के पास आ जाते हैं। जी हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब व्यंग लिखा, कभी ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि आप तो बड़े ही फ्लो में आप सुना रहे हैं व्यंग और सामने वाला आपके ऊपर चढ़ाई कर दिया, वो अगर आप कभी सुनाना चाहें। नहीं देखिए पूर्वा जी, अनेक बार होता है ऐसा व्यंग लेखकों के साथ में। मुझे याद है कि मेरा एक व्यंग छपा था नई दुनिया में, कबीर से साक्षात्कार जी। तो तब उस व्यंग को बिना पढ़े बहुत से जो कबीरपंथी थे
आजकल लोग आहत बहुत जल्दी लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं, तो इस तरह का इंसिडेंट हुए थे। लेकिन ठीक है, ये व्यंग के जोखिम हैं, क्योंकि हम कबीर न कभी रुके सच को कहने से, और हम लोग सब कबीर के ध्वजवाहक हैं, तो वो रहता है इस तरह। मैं इसी प्रसंग में आपको अपनी एक कविता छोटी सी सुनाता हूँ, फिर एक बंदी वाली भी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। शीर्षक है निर्वस्त्र। जी। दुनिया में जब वह आया था निर्वस्त्र था, दुनिया में जब वह आया था निर्वस्त्र था, और तुम भी निर्वस्त्र ही थे। ये अलग बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफ़ेद तौलिए में लपेट दिया गया, और वह सारा बचपन नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में, और वह सारा बचपन नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में, जब कभी तुम्हारा उससे सामना हुआ, छी गंदा लड़का कहकर तुम्हें उसका परिचय दिया गया, और आज जब उसके मेहनत कश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी, आज जब उसके मेहनत कश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी, तो तुमने कृपा पूर्वक अपना पुराना फटा पतलून उसे देकर फिर उसे कपड़ों में कर दिया है नंगा। क्या बात है, फिर उसे कपड़ों में कर दिया है नंगा। तो इस तरह के प्रयोग जो कटाक्ष होते हैं वो समझने वाले के लिए बहुत गहरे घाव करते हैं। जी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुकी हैं, तन्वी जी भोपाल से। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी तन्वी जी पूछिए आप अपना प्रश्न। जी पूर्वा जी, हाँ जी, दिसम जी आप भोपाल से हैं, हम भी भोपाल से हैं, हमने आपका एक कॉन्सर्ट यहाँ अटेंड किया था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और आपकी आवाज मतलब बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा मेरा आपसे प्रश्न था, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, मतलब इतने बड़े कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, तो आपका अचानक से ये करियर चेंज मतलब इतने पढ़ाई के इन्वेस्टमेंट के बाद म्यूजिक साइड में कैसे हुआ, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आप ये देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक शायरी पढ़ी थी, क्या कब और कैसे के सवाल पे हूँ। तो भले ही मैं एक बहुत अच्छी नौकरी में था, कर रहा था, बट एक जो संतुष्टि होती है वो कहीं ना कहीं नहीं आ रही थी, नींद ख़त्म हो गई थी, एक बस एक हलचल रहती थी दिमाग में, दिल में हर वक्त, जो कि शांति नहीं हो रही थी। उसको शांत करने का एक ही ज़रिया था कि मैं वो करूं जो मैं करना चाहता हूं, जो कि म्यूज़िक और लिखना, अपना दिल काट के पन्ने पे रख देना, जिसे कहा जाता है। मेरा बस वही करने का मकसद और वही करना है। जैसे ही मैंने वो किया, मुझे समझ में आ गया कि मैं शायद नौकरी के लिए नहीं बना। हाँ जी। तो एक जोखिम, जैसा कि आपने कहा था कि एक जोखिम ज़रूर था, बट माता पिता का साथ और कुछ, और एक भोपाल के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं रूमी जाफरी जी, उनका मेरे को बहुत सहयोग रहा है इस फील्ड में कि कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ गलती ना करूँ, मुझे वो पहले ही खींच लेते थे। तो उनके सहयोग से और उनके भाई अमान जाफरी जी, इन दोनों के सहयोग से एक जो होता है इंडस्ट्री जो बहुत खतरनाक मानी जाती है, वहाँ मेरे को एक रास्ता दिख गया था। तो रास्ता माता पिता का साथ और भगवान का साथ, बहुत बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे घर के छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने हैं ना भाई, वो गजब की उधम मचा रहे हैं। स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, दिन भर घर में तूफान मचा हुआ है। जी हाँ, तूफान मत मचवाइए, टीटी नगर स्टेडियम में स्केटिंग की बहुत ही बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, तो क्यों ना जुड़ें टीटी नगर स्टेडियम भोपाल से और देखें कि ये जो हमारे छोटे छोटे नन्हे जो बालक हैं, जो घर के शैतान हैं, ये वहाँ पर क्या क्या कमाल कर रहे हैं। तो जुड़ते हैं सीधे प्रिंस गुप्ता जी से। तो जी प्रिंस, ओवर टू यू। धन्यवाद पूर्वा जी, आज हम आ गए हैं टीटी नगर स्टेडियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जहां पर तमाम तरह के समर कैंप के स्पोर्ट्स चल रहे हैं, और ख़ासतौर से हम बात कर रहे हैं स्केटिंग की, तो स्केटिंग का यहां काफ़ी सिखाया जा रहा है, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी उम्र के अलग अलग उम्र के बच्चे हैं जो यहां स्केटिंग सीख रहे हैं। हम उनके कोच से बात करते हैं और जाने इस स्पोर्ट्स के बारे में कि किस तरह से इन बच्चों को इस समर कैंप में स्केटिंग सिखाई जा रही। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और स्केटिंग के बारे में जानना चाहूँगा, यहाँ बच्चों को स्केटिंग सिखा रहे हैं तो किस तरह से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ललिता गुप्ता है, मैं स्केटिंग कोच हूँ स्टेडियम में,
तो यहाँ पे समर कैंप स्टार्ट है अभी, जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है 15 जून तक। यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं 4 ईयर से, यहाँ बहुत से छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, 4 ईयर के भी बच्चे हैं और बड़े भी आते हैं कुछ। सो ये और यहाँ बच्चों को सबसे पहले ट्रेनिंग देते हैं उनकी कैटेगरी वाइज। स्टार्टिंग बेसिक होता है, जो टेनसिटी स्केट्स होते हैं वो बेसिक स्केट्स होते हैं, उसमें हम बच्चों को बैंड होना सिखाते हैं और वॉक कैसे करते हैं, जो टेक्निक्स स्केटिंग की होती है वो सब उसके बारे में हम उनको बताते हैं। ओके जब बच्चे आते हैं फर्स्ट डे उनके व्हील लॉक कर देते हैं ताकि वो ओनली वॉक करें, स्लाइड ना करें, क्योंकि उनके व्हील इतने फ्री होते हैं वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो अगर वो गिरते भी हैं तो उनके सेफ्टी गार्ड्स हैं, हेलमेट, नी गार्ड्स, सारे पैड्स उनको लगाने के लिए बोलते हैं। और फिर हाँ, फर्स्ट डे उन्हीं के साथ बच्चों को हाथ पकड़ के करवाते हैं ताकि उनको कुछ अनबैलेंस हो तो गिरे ही नहीं, उनके मन में फेयर ना बैठे स्केटिंग को लेकर। आइए स्केटिंग के कुछ बच्चों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से इस समर कैंप में स्केटिंग सीख रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ स्केटिंग सीखने आए समर कैंप में तो किस तरह से यहाँ सिखाया जाता है और आप कितना सीख पाए? सर अभी तो बहुत अच्छा सिखा रहा है, मेरे को 1 महीना हो गया है और मुझे मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ पहले से बेहतर है, बहुत अच्छा। पहले मैं रोड पर चलाती थी तो उतनी स्पीड नहीं आ रही थी, स्पीड के लिए मैंने ज्वाइन किया स्टेडियम, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में मैं वापस आऊँ स्टेडियम में। इस बार 12th है तो इतना कंटिन्यू तो नहीं कर पाऊँगी, बट 2 महीने जितना करूँगी उतना बेस्ट करूँगी। और स्टेडियम में बिल्कुल जैसा सिखाना चाहिए वैसे ही सिखा रहे हैं, कोच भी हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल हैं और हर चीज़ में हमें बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं, गलत मूव है, मतलब हर चीज़ से हम लोगों को बिल्कुल हम श्योर हैं कि हाँ हम सीख जाएंगे, आगे चलकर कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ और बच्चों से हम बात करते हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा स्केटिंग आप सीखने आ रहे हैं, कितने दिनों से स्केटिंग सीख रहे हैं? मैं सीख रहा हूँ 1 साल से, मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं 2 स्टेट जा चुका हूँ। यानी कि स्पोर्ट के बतौर स्पोर्ट पर्सन आप इसको खेल रहे हैं, आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है, हाइट कितनी है, आपकी सपोर्ट करती है? हाइट बहुत सपोर्ट करती है, हाइट के चक्कर में स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, आगे जाकर और चूंकि 1 साल से आप खेल रहे हैं कर रहे हैं स्केटिंग, तो आगे जाकर और क्या करियर के तौर पे देखते हैं इसको, आगे जाकर इसकी कोई स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे या कुछ और करेंगे? इसी के स्पोर्ट्स में आगे जाने की सोच रहा हूँ। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आप कब से सीख रहे हैं और कितना आसान और कितना मुश्किल है स्केटिंग सीखना, ये बताइए आप। मेरे को बस यहाँ पे 1.5 साल हुआ, मतलब 1.5 महीना हुआ है। मेरे को पहले मैं रोड पे चलाता था, मेरे को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं लग रहा था, तो मेरे पापा ने बताया कि स्टेडियम जाओ, तो मैं स्टेडियम आया, यहाँ पे थोड़ा गिरा हूँ, चोट लगी है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, लेकिन मैं करते रहा तो अच्छा सीख गया। अच्छा, क्या आपका नाम क्या है? रिजा। रिजा, आप स्केटिंग सीखने आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा। अच्छा, कितना सीख गए हो आप, चला लेते हो आप अच्छे से? हाँ। और आपके कोच आपको क्या क्या बताते हैं स्केटिंग कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसको सीखना चाहिए? भाग के पैर उठा के ऐसे। अच्छा, पैर उठाकर चलाना चाहिए। आप अब कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए? 1 महीने। 1 महीने से आप सीख रहे हैं, तो अब आगे भी आप सीखेंगे और कुछ और आगे लगातार करेंगे इसको? हाँ। क्या नाम है आपका? फैजा मेरा खान। जी, आप कब से सीख रहे हो स्केटिंग यहाँ पर? बहुत दिन हो गए। हाँ। तो आपको आती है स्केटिंग, आप चला लेते हो स्केट? कितनी बार गिरे हो आप? गिरते हो आप? क्या नाम है आपका? हर्षिता कुशवाहा। हर्षिता, आप स्केटिंग करने आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। और कितने दिनों में आप स्केटिंग सीख गए यहाँ पर? 5 डेज में। अब कैसी स्केटिंग कर लेते हो? अच्छी। आद्या, आप कब से सीख रहे हो स्केटिंग? 1 महीना। 1 महीना हो गया। समर कैंप में आपने और क्या क्या स्पोर्ट सीखे हैं स्केटिंग के अलावा? स्केटिंग। स्केटिंग आपको पसंद है स्केटिंग? यस। तो कितना सीख पाए हो आप, कैसे चला लेते हो अभी यहाँ? अच्छा चला रहे हैं। सीखते हो आप? मैं अभी बहुत 30% सीख गया था, पर अभी मैं बीच में अभी मैं थोड़ी सी छुट्टी ली थी जिससे मुझे 5% कम हो गई है, मुझे अभी खाली 25% आए थे। मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल में करूँ, हाइपर में करूँ, और कल मेरा एक रेस भी है, मैं उसमें भी जाने वाला हूँ। यस, आपकी मम्मी भी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आगे आपको स्पोर्ट पर्सन बनाना है, तो आप आगे वाकई स्पोर्ट पर्सन बनेंगे? हाँ। स्केटिंग सीखने आ रहे बच्चों को यहाँ पेरेंट्स लेकर आते हैं, पूरा समय देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, कोच उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, गार्जियन है उनसे हम बात करते हैं, अपने बच्चों को लेकर यहाँ हैं और खासतौर से समर कैंप में ये ट्रेनिंग उनको दिला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप हाउसवाइफ हैं या जॉब करते हैं?
मैं हाउसवाइफ भी हूँ, बिजनेस वूमेन भी हूँ। मैं बिजनेस भी घर से करती हूँ पूरा और हाउसवाइफ भी हूँ। बच्चों को यहाँ स्केटिंग सिखाने के लिए आप ला रहे हैं, तो किस सोच के साथ कि बच्चे यहाँ स्केटिंग सीख के कितना उनको फिजिकल इम्प्रूवमेंट मिलेगा? मैं बिल्कुल इसीलिए आई हूँ कि मेरे बच्चे आगे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जाएं, और मेरे बच्चों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं स्केटिंग सीखूँ और स्केटिंग करके वो आगे स्टेट और नेशनल लेवल पर जाएँ और खुद के स्कूल का भी नाम हो और पेरेंट्स का भी नाम हो। बिल्कुल मैं इसी चीज़ की क्रेज़ के साथ लेके आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे बच्चों ने स्टार्टिंग की और सर पूरा ध्यान रख रहे हैं मेरे बच्चों का कि स्केटिंग कैसे प्रिपेयर करना है, बेटा कैसे प्ले करना है। ही इज़ डूइंग वेरी बैड, सो आई एम वेरी हैप्पी। लगातार हम गार्जियन से, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ स्केटिंग सिखाने ला रहे हैं, तो वो किस तरह से बेहतर बच्चों को इम्प्रोवाइज कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बच्चों को स्केटिंग सिखाने आ रहे हैं आप समर कैंप में, कैसे किस तरह से आपने सोचा कि बच्चों को स्केटिंग सिखाना चाहिए और कितना सीख पा रहे हैं बच्चे? आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इतना कंपटीशन का ज़माना, अगर बच्चे को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसलिए ये सोच के साथ मैं बच्चों को यहाँ स्केटिंग, एक तो क्या है फिजिकल फिटनेस बनता है, ऊपर से बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ भी होना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं दोनों बच्चे को, ये छोटा वाला मेरा 3.5 ईयर का, बड़ा वाला 6.5, मैंने दोनों को स्केटिंग में डाला और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और सर लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। तो कल एक कॉम्पिटिशन भी है, उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को यहाँ स्केटिंग सिखाने के लिए ला रहे हैं और लगातार रोज आते हैं उनके साथ, कैसे किस सोच के साथ आप बच्चों को यहाँ ला रहे हैं? स्केटिंग में अच्छा कर पाएँ वो लोग, इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आ पाए, ये सोच के हम यहाँ पे आ रहे हैं। और स्पोर्ट्स में वो अच्छा यानी कर पाएँ, आगे चल के स्पोर्ट्स में रहने के उनको बेनिफिट मिल पाए, इस सोच के साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, स्केटिंग आप अपने बच्चों को यहाँ सिखाने के लिए आए हैं, समर कैंप चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पिछले 2 सालों से आ रही हूँ यहाँ पर और मेरी बेटी को इस गेम में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब बेटियाँ बहुत आगे बढ़ चढ़कर सीख रही हैं, नाम कर रही हैं, स्पोर्ट में भी बहुत बेटियों ने अपना नाम किया। आपकी बेटी से आपको उम्मीद है कि स्पोर्ट सीख कर वो आगे बढ़ेगी? जी हाँ, मुझे स्केटिंग में ही उसको लग रहा है, क्योंकि मैंने और भी गेम दिखाए लेकिन वो मना कर गई, मुझे यही गेम अच्छा है मम्मा, तो उनको स्पोर्ट में यही गेम अच्छा लग रहा है। हम उनकी बेटी से भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी हम जानेंगे, आपकी मम्मी चाहती हैं कि आप इस स्पोर्ट में आगे बढ़ें, तो आपको लगता है कि आप सीख पा रहे हैं उतना और वो मम्मी जैसा चाह रही हैं वैसा कर पा रहे हैं? हाँ। तो यहाँ एक पेरेंट और आई हैं जो अपने बच्चों को यहाँ लगातार सिखा रही हैं, 2 साल से उनसे हम बात करते हैं, स्केटिंग सिखा रही हैं आप अपने बच्चों को, किस सोच के साथ आप यहाँ बच्चों को स्केटिंग सिखाने के लिए लाएँ? जी मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरे बेटे ने CBSE HGFI खेल चुका है, स्कूलों में भी खेल चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेल चुका है मेरा बेटा, और अभी भी मैं हमेशा आगे रेगुलर ही रखूंगी दोनों को। ये तो इस साल से आए, बेटा को 2 साल हो गए हैं, तो ये कर ही रहे हैं और उनका बहुत अच्छा वो है, अच्छा खेल रहे हैं। हम TT नगर स्पोर्ट स्टेडियम में इस वक्त हैं और यहाँ स्केटिंग के जो बच्चे हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो पेरेंट्स स्केटिंग सिखाने के लिए बच्चों को यहाँ लाए हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ उनके खास तौर से शारीरिक विकास को लेकर लाया जा रहा है, पेरेंट्स ने जहाँ तक कहा है कि बच्चों को आगे स्पोर्ट्स में बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन इन बच्चों को ये स्पोर्ट्स सिखाने के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो होता है उनके कोच का, तो उनसे हम बात करते हैं, हमारे साथ इन बच्चों के कोच हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और फिर उसके बाद जानना चाहूँगा कि स्केटिंग जैसे गेम को आप किस तरह से इन बच्चों को सिखाते हैं और फिर आगे जाके परफेक्ट करते हैं। मेरा नाम साजिद खान है, TT नगर स्टेडियम से हूँ और सबसे यहाँ पे जो छोटे से छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, कम से कम 4 साल के बच्चे, तो यहाँ पर हम पहली चीज़ सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखते हैं, उनका पूरे उनके गार्ड्स पहना के, हेलमेट पहना के बच्चों को वॉक कराते हैं। सबसे पहले जब वॉक करना आ जाता है तो हम थोड़ा स्पीड पे काम करते हैं, स्पीड थोड़ा थोड़ा लर्न करते हैं, लर्न कराते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ती है और साथ में बच्चों को गेम खिलाते हैं हम, ताकि उनका गेम इम्प्रूव भी हो और बच्चे फिर प्लस जो है इतना एंजॉय कर रहे हैं समर कैंप के अंदर, बच्चे घर जाने को तैयार नहीं होते कि हम वापस चले जाएँ छुट्टी के बाद। तो यहाँ पे बच्चे फिटनेस के लिए ये है कि बच्चे पहले यहाँ पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर कुछ खाता नहीं है बच्चा, तो जब स्केटिंग बच्चा करने लगा ना तो बच्चा एक टिफ़िन लेके आता था, अब दो टिफ़िन लेके आते हैं, तो पेरेंट्स भी यहाँ बहुत खुश है बच्चों को लेके कि बच्चों की फ़िटनेस पे भी ध्यान दिया जा रहा है, बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और अपना गेम को भी लर्न कर रहे हैं।
करियर की अगर हम बात करें तो कई बच्चों से हमने बात की जो बतौर करियर इसको अपना रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, कई कंपटीशन में भी भाग ले रहे हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे इस स्पोर्ट में आगे बढ़े। समर कैंप के अलावा भी इस स्पोर्ट को कंटिन्यूस कैसे रखा जा सकता है और आगे जाके करियर कैसे बिल्ड किया जा सकता है? अभी यहाँ पे जो हमारे यहाँ समर कैंप में बच्चे आते हैं, इसमें से हम बच्चों को जो बच्चे हमें लगता है कि उन बच्चों को अलग से फिर हम बात करते हैं पेरेंट्स से कि आप इन बच्चों को साल भर रखें ताकि उनको हम बच्चों को ट्रेनिंग दें और फिर वो बच्चे आगे कंपटीशन में पार्ट लें। तो यहाँ से जो बच्चे अभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न और प्लस नेशनल तक यहाँ बच्चे जाते हैं खेलने के लिए और नेशनल में भी मेडलिस्ट है कुछ बच्चे हमारे यहाँ के और काफ़ी सालों से बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं कॉम्पटिशन के लिए। यहाँ पर करीब 22 ईयर्स हो गए यहाँ पर स्केटिंग करते हुए बच्चों को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कुछ बताया स्केटिंग और स्पोर्ट्स के बारे में और उनके विकास के बारे में और उनके करियर के बारे में। ये तो जाना हमने आज समर कैंप में कि किस तरह से बच्चे यहाँ स्पोर्ट्स सीख रहे हैं और ख़ास तौर से स्केटिंग को वो अपने करियर के तौर पर भी अपना रहे हैं। अब आपको हम सीधे ले चलते हैं हमारे स्टूडियो पूर्वा जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। जी हाँ, हमने देखा कि किस प्रकार से टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग हो रही है, उन्हें नए नए प्रतिभाएं सिखाई जा रही हैं। जी हाँ, ये तो हमने देखा, लेकिन आज हम आ जाते हैं फिर से अपने विषय पर और आज का नमस्कार एमपी समर्पित है बहुआयामी प्रतिभा, जिसके अंतर्गत हम आपको मिलवा रहे हैं अपने बहुत ही क्यूट से हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो हैं दिव्यम शरण गुप्ता जी और साथ ही साथ हमारे जो वरिष्ठ व्यंगकार हैं श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव जी। जी हाँ, इनसे प्रश्न करने के लिए अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो जल्दी से मेरे फ़ोन नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो टीवी है उसके ऊपर तो स्क्रॉल हो ही रहा है स्क्रीन पर, लेकिन एक बार आप भी फिर से नोट कर लीजिए 07552660049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800233000। आपके प्रश्नों का अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, अभी बहुत सारा समय है, क्यों ना हम अपने वरिष्ठ व्यंगकार जो सर हैं उनके पास चले। और श्रीवास्तव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे हास्य और व्यंग एक जो माइन्यूट लाइन होती है वो क्या है? देखिए पूर्वा जी, हास्य जिसे समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी शरीर की विकृति जैसे किसी को आड़ा टेढ़ा देख करके, किसी जाति पर बहुत से पहले कुछ जातियों को लेकर के चुटकुले बनते थे, तो समय के साथ में ये परिवर्तन हुए हैं। स्त्रियों के स्वातंत्र ने और आत्मनिर्भरता ने जो स्त्रियों को लेकर के चुटकुले बनते थे उन पर कहीं ना कहीं एक समाज का नज़रिया बदला है। तो हास्य की और व्यंग में हास्य और हास्य में व्यंग, ये दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण एक माना जाता है, लेकिन इसके बीच एक बारीक थिन लाइन है और उसको हमें समझना पड़ेगा। व्यंग को पढ़ करके हंसी आए ये आवश्यक नहीं है, व्यंग को पढ़ करके आदमी में अंदर ही अंदर एक सुधार की जो बात होना चाहिए वो व्यंग का उद्देश्य है, जबकि हास्य का उद्देश्य आदमी को गुदगुदाना है और उसको एक परिहास और उन्मुक्तता के साथ में कहीं एक फ्री लेज़र टाइम देना, यह हास्य का उद्देश्य होता है। लेकिन इन दोनों के संपुट का एक हमेशा वेट, आयरनरी, आयरनी और ये सब इनका एक एक पूरा शास्त्र है कहा जाए। हाँ जी, जी, जी। तो ये आवश्यक है। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, मुझे लगता है बहुत से हमारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें हास्य और व्यंग के अंदर जो मिन्यूट अंतर है वो नहीं पता, तो क्यों ना इसी बीच आपकी एक रचना सुन ली जाए। चलिए मैं आपको एक गजल सुना देता हूँ कि शीर्षक है शब्द हमारे कुछ लेकर के घर लौटे तो अच्छा हो। सामान्यतः जब हम कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो, और आज का जो फेसबुक का ज़माना है आत्म प्रशंसा और आत्मश्लाघा से सब कुछ भरा हुआ है, मैं एक गज़ल प्रस्तुत करता हूँ कि कवि गोष्ठी से मंथन करते घर लौटें तो अच्छा हो, शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटें तो अच्छा हो। कवि गोष्ठी से मंथन करते घर लौटें तो अच्छा हो, शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटें तो अच्छा हो। कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है अब, छंद सुने और गाते गाते घर लौटें तो अच्छा। समय शुष्क है, हृदय रिक्त है, सब अपनी उल्फत में गुम।
समय शुष्क है, हृदय रिक्त है, हम अपनी उल्फत में गुम, रचनाएं सुन भीगे मन से घर लौटें तो अच्छा हो। रचनाएं सुन भीगे मन से घर लौटें तो अच्छा हो। अपनी अपनी पीड़ाओं से पीड़ित हैं सब, पर सब हैं चुप जी। अपनी अपनी पीड़ाओं से पीड़ित हैं पर सब हैं चुप, पर पीड़ा से खुद को खोकर घर लौटें तो अच्छा हो। पर पीड़ा से खुद को खोकर घर लौटें तो अच्छा हो। अपनी अपनी कविताओं पर आत्ममुग्ध हैं सब के सब। अपनी अपनी कविताओं पर आत्ममुग्ध हैं सब के सब। शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटे तो अच्छा हो। कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है। कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है। शाश्वत भाव सदा संजोते घर लौटे तो अच्छा हो। शाश्वत भाव होना चाहिए कविता का उद्देश्य। रचना पढ़े बिना समझे बिन, रचना पढ़े बिना समझे बिन, नाम देख दे रहे बधाई। फेसबुक का जो हाल है वो हम सबको मालूम है जी। आलोचक से सहमत होते घर लौटे तो अच्छा हो। बहुत अच्छा। और महज मस्करी और चुटकुले, लटके झटके और नहीं जी। जो कवि मंचों का जो हाल है जी। कि महज मस्करी और चुटकुले, लटके झटके और नहीं, हाथ से ठीक है पर कुछ पावन अंकित करके घर लौटे तो अच्छा हो। कई डायरियां ढेरों कागज भर डाले हैं लिख लिख कर। कई डायरियां ढेरों कागज भर डाले हैं लिख लिख कर, छपा स्वयं का पढ़ते पढ़ते घर लौटे तो अच्छा। बहुत ही अच्छा जी। दिव्यंग भी चलते चलते मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको इतनी विधाएं आती हैं, आपने इतने इतने परचम लहराए हुए हैं, अगले दो साल आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, अगले दो साल में जैसा कि मैं खुद को देखता हूँ कि बॉलीवुड में एक अच्छी जगह होगी मेरी जी। मैं समझता हूँ, और भले ही मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ बट चूंकि मेरी जन्मभूमि MP भोपाल है तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ एज एन आर्टिस्ट, कुछ सहयोग करूँ MP सरकार का। ऑब्वियसली वहाँ से भी आना कुछ चाहिए जी। मध्य प्रदेश को भी आपकी ज़रूरत है जी। तो मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ, और ये नज़रिए में कुछ एक लोग हैं जिनका मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि ये नज़रिया आना बड़ों से ही आया है। बिल्कुल। तो मेरे मेंटर जिनसे मैंने शायरी लिखना सीखा जी, हबीबुल्ला खान, उनने मेरे को ज़िंदगी की इतनी मतलब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बातें सिखाई हैं जिससे कि मैं जो लिख पा रहा हूँ शायद वो लिख पा रहा हूँ। फिर एक रॉकस्टार के राइटर हैं, जो रॉकस्टार मूवी आई थी जो इम्तियाज़ अली जी ने डायरेक्ट की थी, उसके राइटर मौज़म बेग जी, उनने मेरे को बताया कि चीज़ों को एक कविता के रूप में कैसे ढालते हैं। अगर मैं गज़ल या कुछ भी लिख रहा हूँ तो एक कविता के रूप में कि सब उससे जुड़ पाए, कैसे ढालूँ। तो ये दो लोगों ने बहुत बहुत साथ दिया है। और जहाँ तक कि गाने की बात आती है जो कि मेन चीज़ है, जो उसमें मेरा साथ एक अबूज़र रिज़वी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने दिया है। और MP की एक बहुत फेमस सिंगर है सामने जोरेकर जी, तो सामने जोरेकर जी मतलब मेरे घर बिल्कुल घर जैसी हैं। उनने मेरे को हर कदम पे जहाँ मैं गलत था तो तुरंत गलत करके रोका। अभी रिसेंटली उनके साथ मैंने कॉन्सर्ट भी किया था गजल का। वाह वाह। आपकी जो आपने पुस्तक लिखी तमस से तबस्सुम, थोड़ा सा अगर उसके विषय में बताएं। तमस से तबस्सुम का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ। तमस अंधकार होता है जी। और तबस्सुम एक हल्की सी हंसी होती है जी। तो ये जो किताब है इसमें मेरा सफ़र एक बहुत डार्क ऑफ पार्ट ऑफ एक हिस्से जो मेरी ज़िंदगी में था उससे लेके एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ, एक बड़ी खुशी की तरफ, इसमें मैंने कविताएं लिखी हैं। और उसके फ्लो में एक पूरे सेक्शंस हैं जहाँ भी मेरी लाइफ में जब पहले मैं दुखी था तो उसकी है, और खुशी से पूरे एंड तक की है। तो उसकी एक कविता है जो कि बॉलीवुड के कई डायरेक्टरों ने बहुत पसंद करी थी, तो वो मैं पढ़ना चाहूँगा, इस किताब से पढ़ना चाहूँगा मैं इसका टाइटल है तवायफ एक नारी जी। दुनिया के हैं उसूल अनोखे, दुनिया के हैं उसूल अनोखे, करने को जिस्म हासिल कि दिए जाते हैं धोखे। रूह का मोल हुआ ख़त्म है, जाने क्या ये हुआ चलन है। रूह उसकी है कितनी खूबसूरत, एहतराम कर उसकी तुम्हें मिलेगी बरकत। जिस्म की चाह में
मती सबकी है मारी जी। जिस्म की चाह में मती सबकी है मारी, ढूंढ लेती तवायफ उनमें ये नजरें तुम्हारी। बुद्धि सबकी हुई मंद है, मन में फैला सबके गंध है, तिश्नगी ने सबको घेरा, दुनिया का बस यही जमेला। जंजीर से जकड़ रखा उनका जीवन है, तवायफों का भी बस यही कथन है। करो ना करो तुम इज्जत हमारी, बस याद रखो तुम्हारे घर भी है नारी। क्या खूब, वाह जी। आज आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ जाना, समझा और सीख लिया, साथ ही साथ अपनी उम्र के साथ में जो पड़ाव आपने देखे और जो आपने हमें सिखाया, आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ जो समय बीता, जो सीखा, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद हैं। आप हमारा दूरदर्शन परिवार जो है वो लगातार रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नमस्कार एमपी लेकर आता रहता है, सोमवार से शुक्रवार, देखना मत भूलिएगा। अगले अंक तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।